फायर एंड आइस, छोटी सी पोयम देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर वाली पोयम है। फायर एंड आइस, फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गए हैं, ठीक है। और इस पोयम की खास बात यह है कि यह सबसे छोटी पोयम में से एक है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी पोयम है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 9 लाइन और हार्डली आप 8.5 लाइन कह सकते हो, ठीक है। अब मैं पहले इस पोयम के बारे में कुछ सेंट्रल आइडिया आपके सामने रख दूं कि ये किस तरीके की पोयम है और क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो पहली बात, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, वो पूरी पोयम में सिर्फ किसके चारों ओर घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है, कि केवल जो लव होता है, इक्वालिटी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और सिंपैथी होती है, ठीक है, वो ही इस पूरी दुनिया में शांति को स्थापित कर सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या कहा मैंने? ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल, किसी इंडिविजुअल के लिए या पूरी दुनिया वालों के लिए। अगर हमें चार चीजें रखें तभी हम इस पूरी दुनिया में पीस को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। पोएट ये भी मेंशन करता है पोएम में कि जो दोनों चीजें फायर एंड आइस, ठीक है, ये दोनों इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अगर आप कहें कि किस चीज से संभावना खत्म होने की है, तो फायर में भी वो जो है ताकत है कि वो पूरी दुनिया खत्म कर सकती है, और आइस में भी वो ताकत है। अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात सुनी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग पे बेस्ड एक मूवी ने बहुत अवार्ड लिए थे, और वो मूवी काफी साल पहले आई थी। वो था डे आफ्टर टुमारो नाम था उस मूवी का। किसी ने देखी है? नहीं? तुम लिटरेचर वाले बड़े खुशक लोग हो वही। डे आफ्टर टुमारो, तुम कुछ और चीज करते ही नहीं हो दुनियादारी में, कहीं और से नॉलेज लेते ही नहीं हो, फिल्में नहीं देखते, क्या है तुम्हारा इंटरेस्ट? म्यूजिक नहीं सुनते? किसी ने बिथोवन मोजार्ट को सुना है? नहीं सुना? थोड़ा लिटरेचर के भी टेस्ट पैदा करो, डे आफ्टर टुमारो देखना। तो ग्लोबल वार्मिंग में ये मूवी बनी है और ये बताती है कि किस तरीके का अर्थ में टेम्परेचर इम्बेलेंस पैदा हो जाएगा, और ये पूरी मूवी इस बात में है कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है, बर्फ से सब जम गया है और माइनस कितना डिग्री चला गया और सब खत्म होते जा रहे हैं, तो उसमें लोग के सर्वाइवल और इसकी विकट समस्या है। तो ऐसे में एक बड़ी एडवेंचरस मूवी है डे आफ्टर टुमारो, यानी फ्यूचर में क्या होगा। तो पोएट मेंशन करता है कि आग और बर्फ में दोनों में वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को उसके अंत तक ला सकते हैं। तो कहता है पोएट कि फायर कैसे रिप्रेजेंट करती है, पूरी सिंबॉलिक पोएम है। तो फायर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को, ठीक है, और अगर आदमी के अंदर डिजायर हो तो वो पूरी दुनिया को एंड कर सकती है डिजायर। इसका एक साफ सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोनों डिजायर के ही क्या है, परिणाम है, और यूक्रेन और रशिया का जिस समय युद्ध चल रहा है वो भी किसका परिणाम है? डिजायर का। समझ गए कि मैंने क्या कहा? हिटलर की एक डिजायर थी कि जर्मन सुपीरियर है, नाजीज को खत्म कर दिया जाए, जर्मन ही रहेंगे पूरी दुनिया में। उसने पूरा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला दिया। सेकंड में अमेरिका और जापान के बीच के डिजायर उन्हें खा गई, हिरोशिमा में बम पड़ गया अमेरिका का, ठीक है, तो उसने जापान के ऊपर बम फेंका, उसने पर्ल हार्बर नष्ट किया। तो ये सब डिजायर के परिणाम है। तो फायर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को और वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। और आइस जो है वो सेकंड इशू है, वो सिंबलाइज करता है कोल्डनेस और इंडिफरेंस। कोल्डनेस इंडिफरेंस किसके लिए? एक दूसरे के लिए। अगर हमारे मन में भावनाएं, सिंपैथी और इमोशंस खत्म हो जाएं, कोल्ड हो जाएं हम एक दूसरे के लिए, इंडिफरेंट हो जाएं, तो ये भी पृथ्वी में पूरी तरह तबाही लाने से ये भी सक्षम है। बहुत ज्यादा फायर या पैशन जो है एक रिलेशनशिप को खत्म कर देता है, और बहुत ज्यादा इंडिफरेंस भी एक हेट्रेट पैदा कर देता है, और वो भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है।
जिस घर में बहुत ज्यादा कोल्डनेस हो जाती है रिश्तों में, वहां आपस में लोग बात करना बंद कर देते हैं, डिफरेंस हो जाता है, टूट जाते हैं। जहां बहुत ज्यादा फायर है, पैशन है, वहां भी चीजें बिगड़ जाती हैं और वहां भी टूट जाती हैं चीजें। तो दोनों में चीजों में ये ताकत है। तो हम सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि फायर पापा सिंबलाइजेस, अपना ये बंद रखें माइक, फायर सिंबलाइजेस डिजायर कॉमा पैशन एंड आइस सिंबलाइजेस कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। अब तीसरी चीज क्या है इसमें, द एंटायर पोयम रिवॉल्व्स अराउंड अ थीम दैट ओनली लव कॉमा इक्वालिटी कॉमा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल। कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पीस ऑन अर्थ। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे, और स्टेंजा वाइज दो स्टेंजा है, लिख लो। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेंजर्स। तो हम कहेंगे 9 लाइन्स पोयम। अब स्टेंजा वन की बात करते हैं। आप सब लोगों के पास किताबें होंगी, किताबें नहीं है तो आप मोबाइल में खोल सकते हैं। स्टेंजा वन, फायर एंड आइस, सबके सामने खुली है पोयम। यस सर, ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं पहली 4 लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पहले इन 4 पे बात करते हैं। तो यहां पर जो भी डिजायर है उसका मतलब आप जानते हैं विश, होल्ड का मतलब है किसी की साइड लेना या फेवर करना, और फेवर का मतलब है किसी और झुकना। ये बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो पोएट बता रहे हैं कि दुनिया खत्म कैसे होगी, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पोएट कहता है कि दो कारण हो सकते हैं पॉसिबल जो इस दुनिया को खत्म करेंगे। क्या कारण है? कहता है पुराना, बहुत सदियों से चला आ रहा एक प्रश्न है, एज ओल्ड क्वेश्चन है कि क्या यह दुनिया आग से खत्म होगी या क्या यह दुनिया की तबाही बर्फ के द्वारा लिखी जाएगी। ये आज का नहीं, सदियों पुराना प्रश्न है विद्वानों के आगे, फिलोसफर्स के आगे, साइंटिस्ट के आगे। ठीक है, तो कहता है जब भी हम ये दो रीजन रखते हैं कि बर्फ से खत्म होगी या आग से, ये दोनों बड़े कंट्रास्ट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं।
ठीक है, इसको जरा ढंग से समझते हैं गहराई में। इन दोनों को कंट्रास्ट में दिखाते हैं, एक और बर्फ तो एक और आग, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वो कहता है कि एक साइड तो क्या है, ये डिबेट है। क्या डिबेट है? ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट, इस पूरी बहस के एक साइड कौन है? वो लोग हैं जो फायर के फेवर में है। कुछ लोग कहते हैं कि फायर से तबाह होगी, ठीक है, और वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि दैट इट विल बी द हीट एंड द पैशन विच विल लीड द ह्यूमैनिटी द वर्ल्ड टू एंड। जो गर्मी है वो और जो पैशन है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, वही इस पूरी मानवता को खत्म करेंगे, इस पूरी दुनिया को खत्म करेंगी। ठीक है, दूसरी साइड डिबेट में कौन है? वो लोग हैं जो कहते हैं आइस खत्म करेगी, और वो सोचते हैं कि आइस इस पूरी दुनिया को एक दिन पूरी तरह फ्रीज कर देगी। ये डिबेट है। तो कहता है एक पावरफुल स्टेटमेंट है फ्रॉस्ट की ओर से, किस ओर? वो ग्रीड एंड जेलसी की बात करना चाहता है। वो सब चीजों से ऊपर कहता है कि हेट्रेड है जो ह्यूमैनिटी में भरपूर है और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। तो अब इन चार लाइनों पे जरा देखें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं बर्फ, कुछ लोग कहते हैं आग, लेकिन मैंने जितना अपने अनुभव से लिया है, और क्योंकि मैंने डिजायर्स की इंटेंसिटी को समझा है, मैंने खुद महसूस किया है कि डिजायर्स कितनी खतरनाक होती हैं, तो मैं उनके साथ हूं। ठीक है, मैं उनकी साइड लेता हूं जो कहते हैं कि ये फायर से खत्म होगी, यानी कि मैं भी ये मानता हूं कि ये हीट, पैशन और बहुत ज्यादा जो तीव्र इच्छाएं हैं, ये इस दुनिया को खत्म कर देंगी। तो पहली चार लाइन ये है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका क्या पॉइंट बना? इसका मेजर जो एक्सट्रैक्ट है वो पॉइंट्स में लिख लेते हैं। एक पॉइंट ये बना पोएट कीप्स टू ऑप्शन टू प्रोबेबल ऑप्शन संभावित फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक तो है क्या? फायर, और फायर का मतलब है क्या कि पैशन, ठीक है, पैशन, ग्रीड, और दूसरा ऑप्शन वो रखता आइस। आइस का मतलब है कोल्डनेस और इंडिफरेंट। अब फिर लास्ट में वो कहता है ही टेक साइड ऑफ फायर थ्रू हिज एक्सपीरियंस। बोलो, इतना क्लियर है? यस सर, यस सर, अब आते एक्सपीरियंस। हैं दूसरा पॉइंट। वेट 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 वेट, फायर के लिए आप जितनी भी हीट वाले पैशंस होती हैं, जैसे लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, गुस्सा, लालच, ये सब फायर में आएंगे। आइस के लिए क्रुएल्टी हो सकती है, रिजिडिटी हो सकती है, इंडिफरेंस, कोल्डनेस, इमोशनलेसनेस, हेट्रेड, सब। अब स्टेंजा टू में आते हैं। वो कहता है बिट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट
एंड वुड सफाइस. पेरिश का मतलब भी खत्म होना होता है. पेरिश, ये क्वेश्चन, ये वैसे सिनोनिम में भी आता है, तो इसका मतलब डाई होता है, डाई. सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट. और डिस्ट्रक्शन तुम जानते हो, किसी चीज को खत्म कर देना. अब पोएट कहता है, मैं ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए इतना श्योर हूं. वो कहता है, चलिए ये देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. ठीक है, पहले तो उसने कहा कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी. ठीक है, एंड फिर वो कहता है, इनकेस अगर फायर से नहीं हुई, ये फेल हो गया, देन आइस विल रिजल्ट इन टू हेट्रेड, और वो ह्यूमैनिटी को एंड कर देगी एक दिन. तो वो डिस्कशन के लिए जाता है, कि वो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाता है. वो बताता है कि क्या पावर ऑफ हेट्रेड है, जो बेसिकली आइस के द्वारा सिंबलाइज्ड है. तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये जो हेट्रेड है, इंडिफरेंस है, लोगों के लिए सिंपैथी न होना है, ये भी इतना ही पावरफुल है जितना डिजायर है. डिजायर बहुत जल्दी खत्म करती है, और हेट भी उतनी ही जो है पावरफुल है, जो उतनी ही जल्दी चीजों को खत्म कर सकती है. तो फ्रॉस्ट क्या करता है, रीडर्स को ऐसे डायरेक्शन देता है. ठीक है, तो कहता है कि जो हेट्रेड है, वो आदमी के मन में, दिमाग में, दिलों में बहुत सालों तक रहती है, कभी कभी तो पूरी लाइफ टाइम. तो हेट जो है वो ऐसे प्रेजेंट किया है कि उसकी, उसमें जो एबिलिटी होती है, वो टाइम को लीड कर सकती है. ठीक है, तो कहता है वो डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकती है वर्ल्ड के, और अगर दोबारा एक बार, इफ इट वर टू हैपन फॉर अ सेकंड टाइम अगेन, प्रोवाइडिंग ए पावरफुल वार्निंग अगेंस्ट दिस ह्यूमन फैलेसी मिसअंडरस्टैंडिंग. तो ये अब स्टेंजा टू को समझते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. कहता है अगर आग से ना हो पाई, मान लिया इस दुनिया को दो बार में पेरिश होना हो, पहली बार आग से, जो मैंने बात की आग वालों के फेवर में, लेकिन मान लिया आग से ये तुम कहो कि नहीं हो पाई, तो फिर बर्फ से ये खत्म होगी. क्यों? क्योंकि मैंने इस दुनिया में, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने इस दुनिया में इतना नफरत का सैलाब देखा है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने इस दुनिया में इतने नफरत के सैलाब देखे, इतने नफरत के उदाहरण देखे, इतने नफरत के किले देखे हैं, कह दो. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो अपने आप में कह सकता है कि आइस भी डिस्ट्रक्ट कर सकती है, क्योंकि हेटरेट का मतलब है किसी एक व्यक्ति के लिए सिंपैथी न होना, यानी फ्रीज हो जाना इमोशंस का. तो आइस भी इस दुनिया को खत्म कर सकती है, यानी कि अगर आग खत्म न कर पाए और दूसरा मौका मिले, या दोबारा दो बार में इसको पेरिश होना हो, तो आइस पूरी तरह क्या है, इतनी नफरत है इस दुनिया में कि वो भी सफिशियंट है एंड वुड सफाइस. ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर ले इस दुनिया के लिए, आइस भी अपने आप में सफिशियंट होगी, यानी कि जो है सिंपैथी ना होना, इंडिफरेंस होना, हेट्रेड होना किसी के लिए, वो भी सफिशियंट है इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए. यानी कि दो ही तरीके हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए. पहले मैं फेवर करता हूं फायर का, और मैंने ये देखा है कि डिजायर इस कदर मौजूद है लोगों के मन में, पैशंस इतने स्ट्रांग है कि वो जरूर जो है इस दुनिया को खत्म कर सकता है फायर, यानी पूरी तरह पैशन, वायलेंस और ये सब. लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया, तो फिर मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, जितनी नफरत मैंने इस दुनिया में देखी है, वो अपने आप में सफिशियंट है कि वो इस दुनिया का जो है खात्मा कर दे. यानी कि दुनिया को खत्म होना हो, अगर पहली बार में ना हो पाए और दो बार में खत्म होना, तो बर्फ अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशियंट है इसे खत्म करने को. बर्फ का मतलब इंडिफरेंस, कोल्डनेस इन इमोशंस, या सिंपैथी ना होना, लोगों के प्रति नफरत का भाव अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशियंट है कि वो इस दुनिया को खत्म कर सकता है. तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर.
सर यस सर ठीक है। इसके राइम स्कीम अगर देखें, पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं फिर राइम स्कीम देखेंगे। तो इसका पॉइंट लिख लो कि इफ फायर कैन नॉट डू एनी हार्म, ice is also sufficient, ice is sufficient enough to destroy this earth and humanity as ice denotes hatred and coldness of emotions. Rhyme scheme is kiye A B A A B C B C B non-line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। और इसके बाद तुम्हें जो लिखाना चाहिए ओके। मैं तुमसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताना पहले पैरा पे बेस्ड ठीक है। आप बताओ व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन एज पर फर्स्ट स्टेंजा, फायर आइस बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? फायर ओके। तो तुम बिल्कुल गलत हो ठीक है। वहां पर वो कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, बोथ ए एंड बी। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मैंने कहा था व्हाट कैन बी द कॉज, आपने ध्यान से सुना नहीं, वहां भी आप ये गलती करोगे इसीलिए पूछा ठीक है। समझ गया आंसर को? यस सर यस सर। तो बट पहले पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रिफर्स टू वायलेंट डिजायर्स पैशंस जेलसी या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज ठीक है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, इंडिफरेंस या लव या सिंपैथी या पैशंस? Indifference. What message does the poet want to convey through this poem? Number one, everything is transitory. Number two, life is unpredictable. Number three, death is inevitable. And number D, both A and C. Both A and C. जिन्होंने ए एंड सी कहा है, ए एंड सी याद है तुम्हें क्या ऑप्शन थे? सो सेकंड वन, एक तो कहता है ए में कहता है तो डेथ वाला ट्रांजिटरी की हर चीज बदलती है और दूसरा कहता है डेथ इज इनएविटेबल, डेथ आनी ही आनी है ठीक है। ठीक है बोथ ए एंड सी है ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर दो पे एक क्वेश्चन है, What does it here refers to? जैसे यह है लाइन, but if it had to perish twice, इसमें it किसको रेफर करता, फायर आइस अर्थ या वर्ल्ड? आइस वर्ल्ड
आइस है सर, वर्ल्ड है। अगर इस दुनिया को दो बार दोबारा जो है पैरिश होना हुआ वर्ल्ड, द वर्ड पैरिश मीन्स डीके, अपीयर या लूज वंस लाइफ या इम्प्रूव। बिल्कुल सही है। और इस पोयम से पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? नंबर वन, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। नंबर टू, ऑल ह्यूमन शुड चेक देयर डिजायर एंड हेट्रेड। नंबर सी, रिस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स। या नंबर डी, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी। पहला ए है वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ठीक है, और दूसरा सी है कि हमारे डिजायर को हम इतना रिस्ट्रेन करें कि अपने बगल अगल वालों को, अपने साथ वालों को लव करना सीखें, फेलो बीइंग्स को, ठीक है। चलो अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज हुई है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले एक डिवाइस यूज हुई है इसमें दो तीन लाइन में, दो तीन बार, कौन सी है वो बता सकते हैं सर? सम से, एलिटरेशन। एलिटरेशन सम से, जी सर, लेटर, एलिटरेशन। अनुप्रास अलंकार बहुत यूज हुआ है, कॉन्सोनेंट देखो रिपीट हो रहा है, सम से। इसी के आगे और बढ़ो जरा, द वर्ल्ड विल, फिर डब्ल्यू हो गया रिपीट, ठीक है। तो अरे ये भी एलिटरेशन, ये भी एलिटरेशन है, ये भी एलिटरेशन, ठीक है। एक और लाइन है, फिर सम से इन आइस, वो भी एलिटरेशन है। फिर एक और है, वो क्या है, आई होल्ड विद दोज, हू फेवर फायर। अब यहां पर कौन है, एफ और एफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो एक तो ये पैराड जो है फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है तुम बताओ, किसी को ना पता हो तो? विरोधाभास। नहीं तो, वो तो पैराडॉक्स होता है जब आप उलझ के रह जाएं, जैसे ऐसा एक ट्रू स्टेटमेंट हो जो अनट्रू सा लगे, ठीक है, या फिर आपको वो उलझा दे, पजल्ड हो जाए आप, जैसे जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब ये पूरी पहेली सी लगती है कि नहीं लगती? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब होता है अ ट्रू स्टेटमेंट, आप यो नोट कर सकते हो, अ ट्रू स्टेटमेंट विच सीम्स बट विच सीम्स अनट्रू। ये भी पहेली लगेगी, Which seems untrue. तो यहां पर एक लाइन आई है, उसमें पैराडॉक्स है, कौन सा, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। लोग इस लाइन को समझ नहीं पाते, वो कहते हैं जब एक ही बार खत्म हो जाए दुनिया तो फिर अब दूसरी बार कैसे खत्म होगी, बोलो, हो गया नहीं पजल्डिंग वाला पैराडॉक्स? अगर इसको दो बार खत्म होना हो, कह रहा अबे एक बार खत्म हो गई तो दूसरी बार रहेगा ही क्या खत्म होने को, समझ गए बात को? तो यहां पर पूरा पैराडॉक्स है, आदमी इसी वजह से उलझ जाता है इस लाइन में। ऑलराइट, तो दिस सेंटेंस शोज पैराडॉक्स। सिंबोलिज्म है, पूरी पोयम सिंबोलिज्म में है, तीसरा सिंबोलिज्म। तो ये तो तुम्हें पता ही है, मैं बता ही चुका हूं, फायर और आइस का सिंबोलिज्म, फायर डिजायर के लिए और आइस हेट्रेड या जो है इंडिफरेंस के लिए। एक और है इसमें इमेजरी, इमेजेस बहुत हैं, इमेजरी भी लिखो।
क्या होती है इमेजरी? इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन की जो है दूसरी मीनिंग होती है उसकी साहित्यिक मीनिंग से हटके। ठीक है, मैं यहीं पर नोट करा दे रहा हूं, इमेजरी वो होती है अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग से अलग, जैसे तुम कोई भी ऐसी बात कहो जहां पर जो आपने बात कही साहित्यिक मीनिंग से हट के, ठीक है, उसकी दूसरी मीनिंग निकलती हो। जैसे फायर एंड आइस की यहां बड़ी डीप मीनिंग्स हैं, ठीक है। फायर जो है फीलिंग ऑफ हीट एंड लाइट को दिखाती है, तो साथ में बर्निंग और पेन को भी दिखाती है, और वैसे आइस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस को दिखाती है, लेकिन यहाँ पर इंडिफरेंस और इंटॉलरेंस को दिखा रही है। ठीक है, तो ये सब इमेजरी है जो यूज की गई है। तो इमेजरी में आप कहेंगे फायर एंड आइस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लिटरल मीनिंग तो आप जानते हैं, फायर की आग, आइस की बर्फ, लेकिन इनकी क्या यही मीनिंग यहाँ यूज हो रही है, कोई और साहित्यिक मीनिंग हो रही है? साहित्यिक मीनिंग के अलावा कुछ और मीनिंग यूज हो रही है कि नहीं फायर एंड आइस की? कुछ इमेजेस अलग बन रही है कि नहीं? yes, sir. तो यही yes, imagery sir. होता है, ठीक है। एक इमेजरी हुई है, और मेरे ख्याल से राइम स्कीम तो मैंने आपको लिखा दी है। लिखा दिए ना? यस सर, यस सर। तो ये हो गई आपकी छोटी सी पोयम फायर एंड आइस। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस पृथ्वी पर विचरण करने वाली मेरी शांत आत्माओं, बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो फिर इतनी देर में जब आत्मा कहा तभी समझ में आया कि भूत बुला रहा है, ठीक है। पहले समझ में नहीं आ रहा था वो। सर मैं सोच रही थी कोई और पूछेगा। हाँ, और तुम उसका जो है मजा उठा लो, पर सबको आता था, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो पूछना ही पड़ा। देखो राइम स्कीम बहुत आसान होती है निकालनी, ठीक है। तो मैं तुम्हारे बचपन के दिन में ले चलता हूँ, वहीं से सिखा देता हूँ राइम स्कीम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट अप अबव। ये पोयम बहुत लंबी है, हम सिर्फ चार लाइन की सोचते हैं इसे। सर एट लाइन की पता है बिल्कुल। हाँ, तुम्हें सही पता है बिल्कुल। अब जिन्होंने अभी पूछा था वो जरा ध्यान से देखें। राइम का मतलब होता है कि जो लाइन का लास्ट सिलेबल है उनमें आपस में मैचिंग होना, ठीक है। अब वो मैच ऐसे भी हो सकता है कि उसके एक एकदम बाद वाली लाइन में मैच हो रहा हो, जैसे स्टार एंड व्हाट यू आर, दोनों में साउंड सेम है कि नहीं है दोनों लाइन में? यहां आई ई स्काई आई,
आई हाई, स्काई हाई। बताओ दोनों में साउंड मिल रही है कि नहीं, बताओ लास्ट की दो और शुरू की दो लाइन में। यस सर। लेकिन क्या अ की साउंड और आई की साउंड सेम है, ये बताओ। नो नहीं है। तो मान लिया जैसे आप मैथ्स में कहते थे, माना ए के पास एक्स रुपीज हैं, वैसे मान लिया आ साउंड को हम ए से डिनोट करें, ठीक है। तो दूसरी लाइन में भी लास्ट में क्या साउंड आई है, ए आ आई है नहीं आई है। अरे तुम मेरे से बातें करते रहो। यस सर। ए ए तो इसको भी ए से लिखेंगे क्योंकि आ को मान लिया हमने ए से डिनोट किया, तो दूसरा भी तो आ है, ठीक है। अब लेकिन आई साउंड आ से अलग है, तो आई को मान लिया हम डिनोट कर रहे हैं बी से, तो अगली लाइन में भी क्या साउंड आ रही है, बी। तो चार लाइन की राइम स्कीम बनी ए ए बी बी, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि शुरू और शुरू की लाइन में आ रहा होता आ, दूसरी लाइन में आ रहा होता दे, तीसरी लाइन में आ रहा होता हेयर, और चौथी लाइन में आ रहा होता और आ की साउंड किस में आ सकती है, वेर सर। बोलो। नहीं वर में नहीं आएगी। आ आ फार 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 स्टार फार स्टार। अब देखो अगर ये ऐसा होता, यहाँ साउंड है आ, यहाँ एयर देयर अर हेयर अर, और यहाँ साउंड है आ। अब आ को मान लिया मैं ए से डिनोट करूं, अर और आ तो अलग है, मान लिया अर को बी से डिनोट करूं, तो ये भी बी होगी ये भी, तो इस पूरी लाइन की राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए, यानी कि अब्बा जान। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। आप समझ में आ जाएगा राइम निकालना। सर आ गया था समझ में, बाद में आ गया था। ओके थैंक यू सर। चलते हैं अब नई पोयम में, और नई पोयम का नाम है आपका टाइगर इन द जू, लेजली नॉरिस के द्वारा।